पहले कैसी तकलीफ होती थी वो भी बयान करो, लोग तुम्हारा पूरा वर्ल्ड सुन रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा। और दूसरी बात, तुमने पहले भी कहाँ कहाँ बताए थे इन लोगों का नहीं, मुसलमानों का नहीं, कहीं फर्क नहीं हुआ या हुआ तो कैसा हुआ, हाजिर कहाँ हुआ, चालू करे। खराब हो। कहाँ से आए थे आप? जालने से। हाँ, तो थोड़ा सा महसूस हुआ कुछ ऐसा। पहले इधर से कैमरा, तुमको पूरा दुनिया देख रही। इन्हों जालना से कैसे आए थे यहाँ पर बाजू का डिस्ट्रिक्ट है, बच्ची को लेकर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसके गले में सांस रुका दिया था, पकड़ कर कुछ हरकत कर रहा था वो, और कौन कर रहा था क्या कर रहा था वो मैंने यहाँ सामने लाकर जब भी बीच में पूछा दिया, और खुद ब खुद उसको वोमिटिंग होके दवा भी बाहर निकलना चालू हुई। रही बात नाम, नाम तो मैं आगे पूछाने वाला हूँ, अभी सडनली नहीं पूछाया। और दूसरी बात, उनको फर्क हुआ क्या, कितने परसेंट हुआ उनके जबानी पूछो। उसको फर्क रुपए में 12 में फर्क हुआ, अल्लाह के हुक्म से 4 ने हैवा है। इससे यहाँ आने के पहले हमने औरंगाबाद में बताया तो वहाँ के मौलाना ने तावीज पानी दिए 21 दिन का, तो दिन बहुत दिख रहे थे हमको, उसके एक घंटे की पड़ी थी। फिर सिल्लोड में बताया, उन्होंने भी पानी तावीज दिए, हम वो भी हमको नहीं। फिर आखिरी में तुम्हारा ख्याल आया, चलो परवनी जा सकते। यहाँ आए हम दोबारा में तो तीसरे वक्त में तो इंशाल्लाह खाने कुछ लगी है। मैं तो खाली पानी ऐसा अदर नलीस जाता वैसा जाता था पानी, बाकी दूसरी कोई चीज नहीं जाती थी उसकी हालत के नीचे। और अल्लाह के हुक्म से अब 2 टाइम 3 टाइम एक चपाती खा रहे, पानी पी रही, चाय पी रही। उस दौरान में मेकने आने से पहले दवा खाने भी बताए होंगे, मौलाना के पास जाने से पहले दवा खाने भी बताए, तो उसमें कुछ फर्क हुआ था क्या? नहीं, बस बुखार चालू था, टाइफाइड जब भी टाइफाइड हुआ बोल के सलाइना लगाए, जब भी दवा खाने में 6-7 दिन एडमिट करे मगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसका रंग पीला पड़ने को लगा, फिर उसकी हरकतें बदल के हमको समझ में आई। फिर हमने सोचे कि उसको कुछ ना कुछ बात है, फिर बाद में तो थोड़ा पढ़ाई शुरू करे तो उन्हें एकदम अपनी शैतानी हरकत पे आ गई, तो फिर हम समझे क्या उसको। अच्छा, आपने उसको दूसरे तरफ कहीं बताया, चाहे कहीं पर भी दुआ पानी करे या और किसी के पास लेकर गए होंगे, तो वहाँ कभी हाजिर होके सवाल जवाब हुए क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोगों ने उसके नजर भी नहीं मिला, खाली पानी तावीज दे दिए, लेके जाए 21 दिन के बाद आना, तो उसको ऐसा कुछ महसूस भी नहीं होता था। और यहाँ पर मेरे पास कितने बार आने के बाद हाजिर हुआ, पहले राउंड में हुआ कि दूसरी चक्कर में हुआ, कि जब कभी हाजिर होके जब कभी करा में क्या हुआ था आते? पहले चक्कर में हाजिर होगा वो यहाँ आते, हाँ, पर निकला नहीं था। फिर दूसरी चक्कर में थोड़ा बहुत आराम से मिला था। दूसरी चक्कर कितने दिन के बाद करे आपने? दूसरे दिन 3 दिन सरीका लेके आए, 3 दिन में पूरा रफा था। हाँ, तीसरे दिन तो फिर पूरा तौबा तिल्ला करा, कसमा खा के चिल्ला के भागो। फिर हाजिर होके सामने आके सवाल जवाब करके कहा, लोग बोलते कि मेरी फीस है 10 लाख, कोई बोलता 5 लाख, कोई बोलता 3 लाख, तब पूछेंगे इनसे इनकी जबानी कि इन्होंने मेरी फीस कितनी पे करे, कितने लाख पे करे तुमने अंदर को हंसी की जाए, हंसी की बात है ना, कुछ भी कैसा है। इधर इधर कैमरा चील उड़ी तो भैंस उड़ी करते लोग, चील उड़ के गए ना, तो हमने अभी देखे भैंस उड़ के गई, मैं ऐसा बोलते झूठे बात। अब लोग बोलते कि मेरी फीस 10 लाख है, 12 लाख है, कोई बोलता 7 लाख है, 8 लाख है, तो चलो इनका पेशेंट को मैंने अभी 4-8 दिन के अंदर बाहर जो भी 15 दिन में राइड करा, तो इनसे पूछेंगे कितने, मैं मेरे को कितने दिए मेरी फीस, तुम जो भी बाहर से लेंगे वो घर को लेंगे, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो मुझे पर्सनली कितने दिए मेरे हाथ में, मेरे को खर्चे भी नहीं दिए। अब 1 लाख तो दिए होंगे? नहीं, 1 रुपया 5 लाख से गिरते गिरते 10 लाख से 20-50 हजार में तो होंगी। जो भी बाहर से खर्चा लगा हमको बाहर से सब लाए, जो भी है लाए घर को ले गए, घर पे अमल करे, उनका पेशेंट अल्लाह ने फैज दिया। हाँ, जमीन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल हुआ, ये कलाम इलाही की बरकत है। और लोगों, मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि इबादत की रस्सी को पहले से ही मजबूती से थाम के रखा करो, क्योंकि इबादत तुम्हारा ढाल बन के बचाती है। और दूसरी बात कि पढ़ने वाली जबान भी रहती ना, एक महीना बैठ के बोलती, वो इंटरव्यू हुआ बीच में मेरा, तो मैं भी कुरान पढ़ती, तुम भी कुरान पढ़ते, तुम्हारे पढ़ने से निकल जा रहा मेरे पढ़ने, अरे तुमको भी पढ़ो ना, तुम्हारा मना कौन कर रहे। वो आरएसएस के चैनल वाले आए थे ना मेरे पास, वो जूते पे मारता बोलो उनके चैनल को, उनको आरएसएस वालों,
तो क्या बोल रही हूँ मैं ना वर्ड कर बोले वो बोले मैं भी कुरान पढ़ती तुम भी पढ़ते तुम्हारे पढ़ने से कैसा नहीं कर रहा मेरे पढ़ने से। तो अरे भाई तू रात में बियर बार में नाच के आ रही होंगी जाके, तू दारुआ पी रही होंगी बंद कमरे के अंदर, तो तेरी जबान पे दारू लगे आई है गलीस पेशाब शैतान का पी के ही तू, तो कहाँ से तुझे फैज भी लिखा, तेरी जबान से कहाँ से फैज जारी होंगे लोगों को, तेरी जबान चुगलियां कर रही होंगी लोगों की सास की तेरे ननानों की तेरे मरद की चुगलियां कर रही होंगी तू दस बाहर तेरे दोस्तों के साथ बैठ के, तो फिर तेरी जबान जब भी उठी तो तेरी जबान लोगों की गीबत करने में फितने फसाद करने में उठी होंगी, हसद जलनों में उठी होंगी, झगड़े लगाने में उठी होंगी, हराम चीजें पीने के लिए उठी होंगी, मैं क्या बयान करूं। और अल्लाह वालों के जबानों का तासीर रहता तक्वा परहेजगारी, जब भी उठती याद इलाही में उठती, जब भी जबान उठती अल्लाह उसके रसूल के शान को बयान करने के लिए उठती, तो फिर वो जबानों में अल्लाह तासीर पैदा करता और उसके तासीर की बरकत से फैज मिलता तुमको, और तुम बोलेंगे कि हम भी पढ़ के आते, तुम पढ़ दिए तो कैसा फैज होता, तुम्हारे पढ़ने में हमारे पढ़ने में फर्क है ना, लकुम दीन कुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हमारा दीन हमें मुबारक, समझे ना। और दूसरी बात ऐसी है कि कलाम इलाही को तुम भी कसरत से पढ़ेंगे, तक्वा परहेजगारी के साथ पढ़ेंगे, और दिल और ईमान मजबूत रख के सही तरीके से पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, तो तुमको सब उसका फैज आता होगा तुमको भी, और तुम्हारे जरिए भी लोगों को फैज पहुंचेगा। तुम बैठ के बड़े बड़े बातें करेंगे, तुम उसको झूठ लेंगे नाकारेंगे, बंद कमरों में जाके तुम लोगों के क्या बोलते तो हक मारेंगे, माँ बाप बहन भाइयों के हक मारेंगे। देखो ना मेरे कहने झगड़े आते ना, वो हमारा भाई हिस्सा नहीं दे रहा, कोई बहन बोलती, कोई भाई बोलता हमारी बहन ने मेरा हक दबा दी, कोई बोलता इन्हें हक दबा दी, कोई माँ बाप आके बोलते कि बच्चों ने हमारा हक मार दिए, हमको खाने नहीं दे रहे, बांट दिए, डिवाइडेशन कर दिए, औरत उधर भेज दिए, मर्द को इधर भेज दिए, बहुत सारे बातें, तुम ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुनों में शामिल होंगे, तो फिर तुम्हारे यहाँ से कहाँ से फर्ज जारी होगा। तुम तजिकर अस्कार इबादत कर सकते, करो तकवे पे करो तो तुम्हारे इससे जारी होगा। तुम बैठ के बड़े बड़े बातें करेंगे ना करेंगे, उसमें बैठ के तुम्हारा बहुत कट छट करके बताया उन्होंने वीडियो मेरे सवाल जवाब जो करा ना मैंने, उनकी बोलती बंद कर दिया था सबकी आके, वो भी को बोल रहा के तुम्हारे क्या सब बहुत बेबुनियाद बातें, तुम जरा गौर से देखो उसके अंदर तुमको समझ में आएगा, कैसे कटछट करके आइडिया करके वाई वाई से उधर से धीमी कर दे रहे, मेरे को सुने नहीं आना, बाद में जब मैं पूछ रहा हूँ क्या बोले क्या बोले उधर बड़बड़ बड़बड़ कर दे रहे तुम्हारे सामने, फिर वॉइस बढ़ा के बोले ये पूछो तो सब हर चीज के तो हाजिर जवाब दिया मैंने, और बेवकूफ बना रहे वो लूसीफर को मानने वाले लोग, और उनको लूसीफर का जो गैंग है वो फंडिंग कर दी उनको उनके चैनल को, और वो तुम्हारे को तुम्हारे ईश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू को मुसलमान को सबको, क्योंकि अभी ये मार्केट में ऐसा मामला चल रहा कि एक गैंग बन गई है ईश्वर को और अल्लाह को मानने, तो पहले से छह लोग उसके बंदे, मगर अभी एक ऐसे आ गए मार्केट के अंदर जो लूसीफर बोलकर एक शैतान है उसको मानने वाले पैदा हो गए, और वो क्या कर रहे हैं, वो शैतान बोल रहा है कि उसको मानो और उन्हें उनको पैसा प्रोवाइड कर रहा, हर चीज सोना गोल्ड पैसा क्या 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 क्या, मगर वो दीन और धर्म और ईमान बेचकर जो तुम खरीदेंगे तो कितने दिन खाएंगे, कितने दिन सुकून से खाएंगे, आज नहीं तो कल जाना तो है ना वापिस पलट के, और जब जाएंगे कुल नफ्सुल ज़ायखतुल मौत, जब मर जाएंगे फना हो जाएंगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा आलम खबर के अंदर, क्या जवाब देना है तुम्हारा, कुछ किताबे लेटने के बाद क्या जवाब देंगे तुम ईश्वर को, फिर भुगत बढ़ो, फिर तुम्हारा कोई लूसीफर बचाने को नहीं आने वाला है, वो लूसीफर की हैसियत है, उस जूती पे मारता हूँ मैं लूसीफर को उसके मानने वालों को, क्योंकि इबादत सबसे बड़ी चीज है अल्लाह उसके रसूल की अतात करो लोगों, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ने वाली जबान बनाओ, तुम्हारे सामने यह मामला है तुम्हारे सामने, नहीं तो उनको ही पूछो कि उनके क्या खयामत की रात टूट गई थी उस दिन जब उन्होंने उनकी बच्ची लाए थे, तो सब लोग रो रहे थे और इतना भयानक मामला चल रहा था कि मेरे को आया तक लेट हुआ तो उनको सबको से बेचैन हो गए थे, तो वहां तक आ गए थे अंदर तक का उनके बच्चे का दम चल जाता कि जल्दी देखो पूछो उनको, सब सामने बैठे आगे कैसा आलम था, उनके खयामत की रात टूटी थी उस दिन, बोलो जरा क्या क्या हो रहा था, बहुत बुरा टाइम था, बच्ची खुद बोलती थी कि अब मैं बचती नहीं, हमको समझा रही रोना नहीं मेरे ऐसा हुए बाद में, कि बहुत अल्लाह पाक ने इतनी शिफा दे दिया कि जब से दिल से दुआ निकाली कि अल्लाह यहाँ से तुम्हारे को शिफा दे तुम्हारे हाथ में जबान में, कि उस दिन से सुकून ही छोगा उसको खाने से। 100 में से कितने परसेंट हुआ? 75%। देखो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये कलाम इलाही का फजल है लोग, फैज है लोगो, कि अल्लाह का फजल करम है तुम्हारे ऊपर, तुमको इतनी बड़ी किताब दिया पढ़ेंगे उसका फैज हासिल करेंगे तो ठीक है, जो ना मांगे सीख वो दर दर फिर मांगे भीख, और ये बैठ के ये लूसीफर के पुजारी यहाँ बैठ गया सर्टिफिकेट बांट रहे दिखता कि तुम पाखंडी है क्या नहीं है, कौन नेक है क्या नहीं है, कौन बखा तुम्हारी
हैसियत है भिखारियों, जनता फैसला करी, अवाम फैसला करेंगे। बंद मुट्ठी में अगर इलाज रहता था मेरा तो बोल सकते थे, उंगली उठा सकते थे, मेरा क्या है और क्या नहीं पूरी दुनिया को लाइव में मालूम है कि मैं कैसे तरीके से पढ़ता और सामने कैसा राइट होता पेशेंट, वो फैस देने वाली जात अल्लाह की है। इसमें क्या पाखंड दिखा, उसमें से एक बैठ के नामखूल बदबख्त बोलता कि बोले पाखंड अबे ना लाया, क्या देखा रे तूने पाखंड, मैंने बोला पाखंड पाखंड के तू पाखंडी, तेरे जोरू ने सुबह में नाश्ता नहीं दी दिखता, ये सब तुम कट चटक रहे बता, तेरे जोरू ने सुबह में नाश्ता नहीं दी दिखता तो तूने झगड़े करके आया उन तेरे झाड़ू से मार के हका ली और तू आगे मेरे पे गुस्सा निकाल रहा क्या, मैं बोला बैठ के कुछ भी बात कर रहा, क्या देख रहे तूने पाखंड, उनकी बेइज्जती करा मैंने चारों तरफ से हाजिर जवाब देके, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और एक बात याद रखना बेटा, सच्चाई अगर हूबहू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा बोलना तुम्हारे जिंदगी तक होगा, वरना किसी के खबर के अंदर जमींदारी नहीं चलती। ये बातें सब याद रखना, ईश्वर से टक्कर लेने जाएंगे तो कहां जाके मिलेंगे और कैसा तुम्हारे सब मैं बयान भी नहीं सकता, क्या आलम हुआ तुम्हारे साथ, बोल भी नहीं सकता तुमके जब आजाब नाजिल हुआ तो, क्योंकि शद्दाद फिरौन नमरूद हामान नहीं रहे तो तुम्हारी हैसियत क्या है बे, उनकी जूती करने भी नहीं पड़क सकते तुम, सोच भी नहीं, आज भी उनके जूते करने पड़क सकते तुम जो म्यूजियम के अंदर उनके जूते रखे ले तो इतने बड़े बादशाह थे वो लोग, तो उनकी बादशाह नहीं रखा अल्लाह ने, तुम्हारी क्या हैसियत है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार मैं एक बात बोलता कि जो अंधश्रद्धा वाले जो जादूगरा हैं जो खबीस को मानने वाले, उनको हमारे इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल ने सख्त मना फरमाया उनके पास जाने से, जो उनके पास जाएगा वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है। सिर्फ इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और इबादत किया करो मोमिन बंदो, अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गान दीन के पास जाओ और ये अल्लाह के पास जाओ तो तुम भी महफूज रहेंगे, तुम्हारा दीन भी महफूज रहेगा और तुम्हारा ईमान भी मजबूत होगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे आप? जालना, चलो रोको।